ताज आप बताइएगा ये जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगने वाला है उस मौके के ऊपर ये खतूत गए हैं और उसके अंदर कुछ मटीरियल है नेचर उसके अभी हमें मालूम नहीं है लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है थैंक यू मलिक साहब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आ, मकसद तो बड़ा वाजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त वाक़ हो रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं है आ, हम तो ये समझते थे कि इलेक्शन के, के बाद चलो जो भी रिजल्ट आया जिस तरीके से भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैडेट छीना गया आवाम का मैंडेट छीना गया चलो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बट नदीम साहब एक तरफ चाइनीज़ को इंजीनियर को जो हमारे मुल्क के अंदर काम करना चाहते हैं उनको मारा जा रहा है हमारी फ्रेंडली कंट्री के साथ हमारे ताल्लुक जो है इसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा और हमारे मुल्क के अंदर जो मनसूबे हैं उनको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर पार्टी के लीडर खान साहब को जो है वो जेल के अंदर वो ऑलरेडी जेल के अंदर इकतीस साल की सजा दी गई और उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और आपको पता है कि अडियाला जेल के बाहर जो है कुछ फॉरन नेशनल हमसाया मुल्क के लोग जो है वो पकड़े गए थे और उनके पास जो है अडियाला जेल के नक्शे थे तब यही कहा गया कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है अब हाल ये हो गया है कि जो खतरा है तो फिर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं इसका मतलब कि की सिचुएशन भी पाकिस्तान के अंदर सही नहीं है बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं उनके क्या मकासद है मजमू मकासद है खुदा खासा स्टेट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे कुछ इकदाम किए जा रहे आ, मकसद क्या ये है कि सच बोलने वालों को जो ऑलरेडी अंडर अंडर थ्रेट है जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर और चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों के ऊपर हमसे ज़बरदस्ती नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है क्या लोगों को सच बोलने से जो है वो रोका जा रहा है और वो भी लाइफ थ्रेट के जरिए दूसरे हमारे जो मुल्क में काम करना चाहते हैं उनको मारा जा रहा है ये भी कोई अच्छी बात नहीं है इसी तरीके से अगर बड़े लीडरान की जिंदगी को भी खतरा है तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं ले देखिए मलिक साहब आई थिंक थिंग्स आर नॉट गुड चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए तहकीकत होनी चाहिए वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर जो है वो इसलिए क्लोज होने चाहिए और जजेस से ही शुरू कर लेते हैं जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई फैसला होने लगता है या कोई इंक्वायरी होने लगती है तो कहते हैं कि जी 1950 से शुरू करो 77 से शुरू करो उन्नीस से शुरू करो मौजूदा हालात के अंदर शुरू करें ना पच्चीस करोड़ आवाम का मुतालबा है कि, कि जिन जजों ने इंसाफ देना है वो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं तो अगर उनको इंसाफ ना मिला और अगर खुदाना खास खुण उनकी जिंदगी को भी थ्रेट है तो फिर मलिक साहब जो इस मुल्क के अंदर जो भी फैसले होंगे क्या फिर हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे कि क्या ये किसी ने उनको डिस्टर्ब करके टॉर्चर करके ब्लैकमेल करके या बेडरूम तक पहुंच के उनसे फैसले करवाने की कोशिश की है क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई उसका बेनिफिट जो है वो किसको दिया गया तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब तक ये आवाम के सामने चीज़ें नहीं आएंगी सच नहीं आएगा यहाँ जिंदगी लोगों की एट स्टेक हो गई है अब बात सिर्फ रिगिंग से बढ़ के और सच बोलने से बढ़ के अब बाकायदा जिंदगी और मौत के जो है वो थ्रेट्स आने शुरू हो गए तो ये मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस सिचुएशन है

हमें बहुत खदशा है स्लो प्वाइजनिंग बीबी की की जा रही है खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो प्वाइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है इस स्लो प्वाइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे आप जरताज बताइएगा क्योंकि मैंने जो अपने मुख्तलिफ़ रिपोर्टर्स की खबरें पढ़ी हैं उसके मुताबिक पहले तो उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया था कि शायद उनको शहद में कुछ मिला के मिला के जहरीली चीज़ दी गई है अब उन्होंने खाने के अंदर कहा है कि उनको कोई ये जो को टॉयलेट टौ, टौ, क्लीनर्स वगैरह एसड्स यूज़ होते हैं शायद वो प्रॉबेबली उसके कुछ ड्रॉप्स उनके खाने में मिला के उनको दिए गए तो क्या कहानी क्या है एग्जैक्टली आपकी जबानी अगर पता चल जाए देखिए मलिक साहब बातें तो बहुत सारी हैं बात फिर मैं वहीं से अगर शुरू करूं कि दो साल से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि खान साहब ने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी की बात एब्सोल्युटली नॉट कह के, के जो कर दी थी तो वो सजा अभी तक भुगत रहे इकतीस साल की रातों रात उनको सजा दी गई लेकिन अलहमदिल्ला खान साहब इतने बहादुर और इतने डर लीडर है कि ना उनके प्लेटलेट्स के रे ना वो बीमार हुए ना वो पच्चीस रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से बाहर गए और जिधर से इंसाफ की तो नहीं भी होती वो फिर भी हालांकि रात को रातों रात उनको इलेक्शन से एक दो दिन पहले इकतीस साल की सजा दी गई इसके बावजूद भी वो इंसाफ और कानून का दरवाजा कटकटाते, कि इंसाफ भी यहीं से मिलेगा फैसले भी यहीं पर होंगे इससे मुल्क के अंदर जीना मरना है वहां पर साहब को तोड़ने की कोशिश में फिर बचता क्या था कि चलो उन्होंने सोचा कि बेगम साहिबा के ऊपर अटैक कर दिया जाए बुशरा बीबी के ऊपर अब देखिए मलिक साहब मैंने कोशिश की है कि मैं खान साहब को थ्रू कोर्ट मैंने परमिशन ली है मैं अडियारा जेल जाती हूं मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता इसी तरह बुशरा बीबी हैं उनको एक पर्दादार खतून है उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है एक तो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है दूसरा ये नहीं पता कि क्या हो रहा है कि अब अगर बिरिस्टर गौर साहब जारी बात है पार्टी के अब मौजूदा चेयरमैन है और वो कह रहे हैं कि उनके खाने में या ऐसा उनके साथ है कि उनको कोई फूड पॉइजन दिया जा रहा है या उनको या उनको सेहत को या जिंदगी को कुछ खतरा है तो ये बड़े सीरियस वो है बातें और अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले कहा कि अडियाला जेल में खासा मौजूद हैं लेकिन दहशत बाहर से अडियाला जेल का जो है वो नक्शा लेकर आ जाते हैं अब अलग साहब बात यह कि जब हम घरों से निकलते हैं यहाँ तो पीटीआई का झंडा भी उठाने के ऊपर पाबंदी है पंजाब पुलिस पीएम एल एन की इमां के ऊपर हमारे ऊपर ऐसे अटैक करती जैसे खुदा ना खास्ता हमने किसी और मुल्क का झंडा उठाया हुआ अब uh, मसला ये कि ये बड़ा कहना आसान है कि हम अपने आप को पोलिटिकल लोक चीजों से डिसएसोसीट करें डिसोसीट करें जब एक ही पार्टी को इस वक्त uh, पाकिस्तान तहरीक इंसाब को हमारे लिए ड्रान को भी फिक्स किया जा रहे हैं हमें भी मैंने कल देखें देखे, देखें मलिक साहब मैं डेरा गाजी खान मौजूद थी मैं बार बार आपको कह रही हूँ लेकिन मैंने कल पिंडी के एटीसी में मैंने चौदह एफ आई आर जो दहशतगर्दी की मेरे ऊपर की गई थी जबकि मैं मौजूद भी नहीं थी पिंडी में और मैंने चौदह एफ आई आर की जो है वो कल मैंने जमानत करवाई है तेरह साल के बच्चे भी वर्कर्स वहां पर आए हुए हैं चौदह साल की भी सोलह साल के भी क्योंकि उन्होंने पीटीआई का झंडा किसी प्रोटेस्ट के अंदर या किसी रैली में उठाया हुआ था तो लिहाजा उनको सजा दे गई है कि आपने खान साहब का क्यों साथ दे दिया है अब मसला ये है कि जजेस का मामला पीटीआई का मामला हो ना हो लेकिन जजेस पाकिस्तान के एक बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों की तकदीर के मामले कभी कभी तो जिंदगी और मौत के भी फैसले आते हैं अभी वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं वो अप, अब ना खुद इंसाफ मांग रहे हैं तो इस पर किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिएक्ट ना करे जब बुशा बीबी की जिंदगी को खतरा या खान साहब की जिंदगी को खतरा है तो पाकिस्तान तहरी इंसाफ क्यों ना उसके बारे में डिमांड करे कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन दे दी जाए और ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए ये तो मलिक साहब सिर्फ ये बातें आगे अब ईद आने वाली है मुझे बताएं आलिया हमजा है सनम जावेद है डॉक्टर यासमीन राशिद है शाह महमद कुरेशी साहब है परवेजी इलाही साहब है उमर चीमा साहब है जास चौधरी साहब है और कितने हमारे हजारों कारकुनान है दस हजार तो खुद राना प्रेस में कह चुके में दस आप दूसरी बाली बात का भी जवाब दे दीजिएगा लेकिन ये कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अगर अमल दरामद ही हो जाए काजी फायदी साहब के ऑर्डर जो उन्होंने लिखवाया हुआ है, उसके ऊपर ही अमल दरामद हो जाए धरना केस के अंदर तो बहुत सारा रास्ता साफ हो सकता है जजों को तहफ तो भी मिल सकता देखिए मलिक साहब मुझे तो आज तक इतना पता है जितनी मेरी एज है मैंने तो आज तक कभी किसी कमीशन का रिजल्ट देखा नहीं है कभी हमने कोई पब्लिश नहीं होता देखा ना हमें पता चला है कि फॉर एग्जाम्पल चौदह चौदह लोगों को सुप्रीम कोर्ट धरना के ऊपर जजमेंट नहीं बार बार मैं वही कह रही हूँ ना कि यहाँ अंडर द कारपेट चीजें कर दी जाती हैं और उसके बाद आप जिसके खिलाफ आवाज उठाते हैं आप खुद उसके साथ मिल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आ, मैं तो क्रॉस टॉक में जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन अगर फरूख नसीम साहब ने उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा था तो आमरेली अथॉरिटी से आज हम के इनके साथ बैठी हुई है ना आज उन्होंने मिलकर ऐसे ऐसे लोगों को सेनेटर बनवाया है जो खुद इनके अपनी पार्टी के भी नहीं है और किस आइन कानून की वो करते हैं क्या आप पाकिस्तान के किसी कानून और आइन में ये आपके साथ जो है वो इस वक्त वकील बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में उनसे पूछे क्या कभी कोई निगरान वजीर आजम कोई निगरान वजीर अला कोई निगरान मिनिस्टर आने वाली हुकूमत का जिस जो जो उन्होंने खुद इलेक्शन करवाया हो उस इलेक्शन का प्रोसेस हो वो निगरान वजे अजम और आ, किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठे हों क्या वो उस आ, आने वाली हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं इसका अगर वो बन सकते हैं जैसे कि आज इनके वो सेनेटर भी मुंतख हुए हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं काकड़ साहब जो वजे अजम थे वो भी आज सैनेटर जो है वो मुंतखब हो गए हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर थे निगरान वजी इसके हुकूमत के अंदर वो चीफ मिनिस्टर वो भी हैं बलोचिस्तान भी हैं इसका मतलब है कि वो सिस्टम के बेनिफिशरे थे और वो पीएमएलएन को ही वो सिस्टम के बेनिफिश बेनिफिशियल है दूसरी बात ये कि अगर वाकई इतना इन्होंने इंसाफ देना है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी ये आपकी माँ के साथ या हम ये फुली आप हमारे साथ कॉपरेट करेंगे और ये जजेस को इंसाफ मिलेगा तो एमरे अथॉरिटी से ये जो छह जजेस साहिबानी ने जो खत लिखा है बेडरूम तक तो का, जो कहानी पहुंच गई है किसी को टॉर्चर किया गया किसी को ब्लैकमेल किया गया है वहां पर लोगों की जिंदगी को खतरा है प्राइवेसी को इन्वेट किया गया उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो तो फिर शहबाज शरीफ है वो तो फिर नवाज शरीफ है वो कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके साथ बड़ा कॉपरेट करूंगा असल में तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये तो सारा शहबाज शरीफ की इमा के ऊपर गया, गया तो जिसको जिसको खुद कटहरे के अंदर होना चाहिए वो हो खुद इंसाफ कैसे दे सकता है लेकिन आपको ये नहीं लगता कि पीटीआई के ये प्टियाए ये प्टियाए ने प्टियाए ने दौर, दौर के, के अंदर जस्टिस चौकत अजीजी के साथ जो कुछ किया गया था पीटीआई के दौरे आज वही सारा कुछ करती है किस तरह मौजूदा हुई जजों के साथ कर रही है तो बुनियादी तौर पर आप जजों के साथ ये कुछ नहीं कर सकते टिकट वाली जो हुत है जिस वक्त पंजाब हुकूमत टिकटॉक सहेलियों के ऊपर चल रही है ये यजा ओजा टिकटॉक की कहानियां बना रही किसी के घर में घुस गए पहले से कैमरामैन खड़े हुए परफॉर्मेंस जीरो मैंडेट जीरो और ऐशो इशरत और टिकटॉक के ऊपर जोर है उसकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है तो आप किसी की जिंदगी को खतरे में डाल के खान साहब की जिंदगी को खतरा तो आपने उस वक्त मजाक उड़ाया वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ ये तो अल्लाह तौला ने बचा लिया आपके पास कोई जवाब है इस तरह की जिसका तो खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी और मौत के बारे में ना इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें दूसरा आपने आखिरी बात मालिक साहब इन्होंने फरमाया कि जी अब आप लॉबी वो करेंगे जी अमरीका शमरीका की खांसा वो हैं। जो यूनाइटेड नेशन में आंखों में आंखें डाल के ना उमत मुस्लिम का और शान रसूल का मुकदमा एफ्सलूटली नॉर्ड के, के और यह का नाबद हुए का नस्ताहीन कह के, के लड़ते थे आप यहां तो पसीने छूट जाते थे घुटनों के नीचे पर्चियां चुप जाती थी पसीने आपको छूट रहे होते थे पानी के गिलास आप पी रहे होते थे और जाके प्रेजिडेंसी में जाके क्या कह रहे होते थे मिस्टर प्रेजिडेंट नहारे एंड पाई आर वेटिंग फॉर यू इन पाकिस्तान यही आपकी वो थी ना इंडिपेंडेंस फॉरन पॉलिसी थी वहां अगर किसी शख्स ने जरूरत कर ली है अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान का मुकदमा खान साहब ने लड़ लिया है

अब हौसले से ज़रा सुनिएगा जी मेरी गुजारिश सुने जी देखिए मैंने आपसे बुशरा साहबा की बात से पहले मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ना करे बिल्कुल हिफाजत रहनी चाहिए जो उनकी राइट्स हैं उनकी कैद में बुशरा साहबा की भी इमरान खान साहब की प्रोटेक्ट होनी चाहिए बात ये जी कि अगर आपने बात करनी है ना कि जिंदगी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तो कुलसूम साहिबा जब तक फ़ौत नहीं हुई थी ना तब तक कि उनकी बीमारी मानने को तैयार नहीं थे जिस तरीके की घटिया नीच कैम्पेन इस जमात ने इमरान खान के ऐमा पर चलाई थी वो सब सामने जिस तरह की कैंपेन ने नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर चलाई थी उसका मजाक ही आज तक उड़ाते हैं तो इसलिए यह भाषण ना दें आज अगर हमारी सियासत में मॉरल गिराव हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है आज अगर हमारा नेशनल डिस्कोर्स पॉइजन हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है और आज भी सरताज साहिबा और इनकी जमात का यही तरीका कार है ये समझते हैं इसी तरह ही हर वक्त उधम मचाए रखें सर साहब जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो पैरा 53 का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर जिक्र किया हुकूमत ने उसका कहीं जिक्र नहीं था किया पैरा फिफ्टी आप पढ़ें तो मुझे लगता है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत से ये तो रखें कि वो ऑर्डर जारी करेगी कि आई एस आई ए करेगी आई बी ए करेगी और फ़ौज को ये हुक्म और वो हुक्म वो नहीं कर सकती तो सत्तर अस्सी बंदों के साथ हुकूमत बना के खड़े हैं सपोर्ट के लिए रोज़ाना पिंडी की तरफ वंह करके सुबह दुआ मांगते होंगे कि मेरी तरफ ही देखते रहें वैसे तो वो चला नहीं सकते तो ऐसा कानून बन सकता है इस मौके पर देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पर एलेबोरेट करना चाहूँगा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ नाइन्टी के जो इलेक्शन थे उसमें नाइन्टी सिक्स के अंदर जो मार्शल खान थे, बुटो वाला वो मामला। जी। दूसरा ये था की आप सलीम शहजाद साफी वाला कमीशन आप देख सकते हामिद मीर वाला आप कमीशन देख सकते आप फैजाबाद धरना कमीशन देख सकते इन तमाम कमीशन और पैनमा ये सारे इनको छोड़ दें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवनटी थ्री के अंदर जो ट्रैकॉटमी ऑफ पार है वो डिफ़ाइन कर दी गई कि ये थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं और ये उनका डोमेन है और इसके अंदर इन्होंने रह के काम करना है फिर एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया तो बैकग्राउंड है ये आप छोड़ की क्या, रिकमेंडेशन थी? उन पे क्या अमल दरामद हुआ जब आप कॉन्स्टिट्यूशन थ्री है वो काजी फायदा सुप्रीम कोर्ट के जज के हुक्मनामे का हिस्सा बिल्कुल यही ये, ये बात है और इसमें शोक सदी साहब ने भी इसको टेकअप किया था फैजाबाद धरने को अल्टीमेटली उसके अंदर जो रिकमेंडेशन दी दी थी उस पर आज तक अमल नहीं आप दोबारा उन्होंने क्या करें? कहते, कहते हैं ना देखें कवानीन को छोड़ सुप्रीम कोर्ट के कहने से इस पे कोई अमल नहीं होगा अगर होना होता तो नाइनटी की मैंने मिसाल दी थी आज तक किसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे अमल केस के अंदर हुक्म यह हुआ था कि आप उनके खिलाफ तहकीकत करें को यह कहा गया था किसी में हुआ जनरल बेग और जनरल दुरानी मैं वही कह कह कि जितनी आज तक जितने किया है, किसी पे अमल दरामद नहीं हुआ मैं बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ बात यह है कि ये नीयत की बात है कानून है मौजूद है किसी लेजिसलेशन की जरूरत नहीं कोई कानून नहीं। बुरा नहीं, नहीं। उसकी केस उसको में, उसको बुरा बनाती है जनरल असद दुरानी ने साइंड एफिडेविट सुप्रीम लेकिन सवाल यह पैदा होता है ना यह पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री और दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री का यह पहला अनप्रेसिडेंट प्रेसिडेंटेड वाकू मैं समझता हूं इसको बहुत लोग लाइट लेते हैं ये आतशा है और ले मैं भी बड़ी दरखास्त करता हूं कि जैसे हुत भी पोजीशन ले लेती है और पोलिटिकल पार्टीज में इस पर कोई खास पोजिशन ना ले ये चूंकि बहुत सेंसिटिव एंड नेचर है और इसको बड़ा केयरफुल लेके चले इसको पोलिटिसाइज खुलेगा